राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। सो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से न्यू वायरल वीडियो एडिटिंग में। तो दोस्तों आज का वीडियो में जानेंगे इस तरह का वीडियो कैसे बनाओगे, तो वीडियो का माल का होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बनाने के लिए लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, जो कि ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा चलिए वो बात कर लेते हैं पहले। तो फिलहाल के लिए आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे बिट्टू की tech.in लिख लेना है, उसके बाद सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको वो साइट का लिंक मिल जाएगा। तो साइट का लिंक मिलने के बाद जो है इस तरह से आपको डिफॉल्ट दिखा देगा, नहीं नज़र आएगा पोस्ट। तो सीधा आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे लिख लेना algst मोशन। तो हम लिख लेते हैं MOTI मोशन लिख लेते हैं। इस पर सर्च पे आते हैं। तो सर्च पे जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट देख लेगा, जो कि आपको YouTube चैनल पे जो भी थंबनेल होगा मेरा तो वही इसमें रहेगा। बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है वही वाला प्रोजेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो जो भी YouTube चैनल का आपका थंबनेल होगा उस वाले थंबनेल पे टैप कर लेना। तो फिलहाल के लिए अगर कोई भी वीडियो का आपका थंबनेल नज़र आ रहा है तो फिलहाल अगर इसे ये वाला वीडियो के थंबनेल पे टैप कर लीजिएगा, ये एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ये आर्टिकल है तो आर्टिकल आपको देख लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक मिलेगा HDR जो होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टैप कर लेना है। टैप करते ही आपको ड्राइव लिंक, जहाँ भी ड्राइव लिंक पे ओके कर लेना है। ड्राइव लिंक पे जहाँ भी सेव हो जाएगा वहाँ से आपको डाउनलोडिंग शेयर करके सीधा जो आपको लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ रिसेंट पोस्ट भी आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जो भी है बहुत सारा पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जो अभी पोस्ट होगा तो उसमें आपको इस तरह का डाउनलोडिंग सिंबल दिखाई देगा, तो इस पर टैप कर लेना। उसके बाद थोड़ा 20 सेकेंड या 30 सेकेंड वेट करना है, ऑटोमेटिक ये डाउनलोडिंग कर देगा। तो वहाँ से डाउनलोडिंग करके यहाँ पे अगर आप क्रोम में होगा एक्सटेंशन डाउनलोड यहाँ से कर लेना। और ये उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सीधा इस पे जाके शेयर पे जाके सीधा जो है एलाइट मोशन को चूज कर लेना, इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाएगा, चलिए एलाइट मोशन में चलते हैं। तो एलाइट मोशन को हम ओपन कर लिए हैं। उसके बाद जो है आपको ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए फिलहाल प्रोजेक्ट को कर लेना है, जो कि XML मिलेगा। तो XML भी उसी प्रोसेस से डाउनलोडिंग कर लेना है। कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आपको इस वाले सॉन्ग, मतलब अगर बनाना चाहते हैं सॉन्ग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा तो उस सॉन्ग को डाउनलोडिंग कर लेना है। कर लेने के बाद आपको लिरिक्स जो है आपको इस तरह का फॉन्ट दिखाई देगा। तो XML में आपको इस तरह से डिफ़ॉल्ट मतलब फॉन्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वाले जाना है ग्रुप पे, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना, जो कि ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। पहले जो है आपको XML इंपोर्ट करने से पहले आपको ये फॉन्ट डाउनलोडिंग करके एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो दोनों लेयर में आपको फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये हो गया, बैक करते हैं। बैक करने के बाद देखिए इस तरह से ये फॉन्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से फॉन्ट, ये बहुत ज़्यादा ये फॉन्ट पे पिछले मतलब बहुत दिनों से इस वाले फॉन्ट पे वीडियो वायरल होता है। तो ये वाला फॉन्ट सारे लिरिक्स में ऐड कर लेना, जो कि लिरिक्स आपका जो रहेगा तो आपको यहाँ तक रहेगा। यहाँ आपका 14.19 सेकेंड तक रहेगा, 18 सेकेंड तक, तो ये लिरिक्स रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड में आपको करना क्या है, सेकेंड में आपको यहाँ पे टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कल ये बिलिंग दिखाई देगा इस तरह से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको नीचे लेयर पे टैप करना, कलर फील पे जाना, स्टाइल ऑप्शन पे जाना, आपको पीक इंपोर्ट कर लेना है। तो पीक इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सीधा आपको ग्रुप वन का सिंबल दिखा देगा, जो कि 14 सेकेंड के पास, तो इसमें आप टैप कर लेना। उसके बाद ग्रुप को भी जाना है। ग्रुप पे जाने के बाद जो है इस पर टैप करके आपको कलर फील पे जाके स्टार पे जाके पीक इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर जिस भी पीक पर आप बनाना चाहते हो वो पीक को इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ऊपर में जाते हैं, इसको में भी कलर स्टार लग जाके पीक को इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो इसको इस तरह से इंपोर्ट हो गया। फिर से आपको छोटा छोटा ये जो लाइन है इसमें भी जाके कलर फील्ड पे जाके इंपोर्ट कर लेना। तभी जितना भी ये ग्रुप है सेमी पिक को इंपोर्ट कीजिएगा जो कि आपको अच्छा लगेगा देखने में। और इसको इस पे जाके आपको जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, छेड़ा होना कुछ नहीं, बेक करना है। तो हम बेक कर लेते हैं ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाना है 14 सेकंड के आसपास जो एडिट कर लिए ये वाला पिक। उसके बाद फिर से अगला में आ जाते हैं। अगला में फिर से टैप करना नीचे में जो कि यहाँ बीस्ट से, इस पर टैप कर लेना, कलर फील पर जाना, स्टार पर जाकर फिर से आपको अलग पिक को सेलेक्ट कर लेना है। जिसको सेलेक्ट कीजिए फिर उसके बाद ग्रुप वन पे टैप कीजिए 15 सेकंड के आसपास। उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा जो लेयर है उसमें सेमी पिक को ऐड करना। तीन लेयर पर टैप करते हैं, कलर फील पर जाते हैं, स्टार लग जाते हैं और जो है सेम जो है पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद फिर से सेकेंड वाला में या कलर फील पर जाते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से ये आएगा। फिर इसमें जाते हैं, फिर इसमें कलर फील पर जाके वही पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फास्ट में कर लेते हैं हम। तो ऑलराइट ये हो गया है इस तरह से। उसके बाद फिर बेक करना है। तो सारे में एक ही पिक को इंपोर्ट किया हूँ तो इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो फिर आते 15 सेकंड तक ये हो गया एडिटिंग, तो ये वाला सेकंड तक हो गया। उसके बाद जो है अब फिर आपको यहाँ पे एक लेयर मिलेगा जो कि ये वाला लेयर मिलेगा। तो इस सब में आपको पिक इंपोर्ट करना है। तो इस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है पिक इंपोर्ट कर लेना है। इस पर टैप कर लेते हैं पिक, फिर इस पर टैप करते हैं, कलर फील पर जाते हैं, स्टार लग जाते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सेमी पिक को इंपोर्ट करते चार लेयर होगा, तो चारों लेयर में ऐड कर लेना। तो हम फिलहाल चारों लेयर में ऐड कर लेते हैं। ये हो गया ओके। तो देखो इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से होगा। फिर अगला में जाना है। अगला में आपको सीधा इस वाले जो है यू फोटो होगा बिटू की टैग, इस पर टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कलर फील पर जाना है, उसको स्टार लग जाना है, अलग पिक को इंपोर्ट कर लेना है जो भी पिक लगाना चाहते हैं। लग गया, इस तरह से हो गया 17 सेकेंड वाला। और जो फाइव लेयर जो मैं ऐड किया था पहले, तो उसे 16 सेकेंड बीट में था, 16 सेकेंड वाला बीट में था और 17 सेकेंड में सिंगल पिक ऐड किया। उसके बाद फिर आगे हम जाके यहाँ पे पहले जो इस पे टैप करके कलर फील पे जाके पिक को इंपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर से बैक करना है। उसके बाद इसको फिर इस पे टैप कर लेना जो कि बिट्टू की टैग बड़ा लेयर होगा, कलर फील पे जाके फिर से अलग पिक को ऐड कर लेना। तो फिलहाल के लिए हम कर लेते हैं, ये लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर से ऊपर वाले लेयर पे टैप करना, छोटा होगा जो कि 17 सेकंड के आसपास, उसमें भी पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला। ये हो गया। तो देखो इस तरह से रोटेशन टाइप का हो गया। उसके बाद फिर से अगला में जाते हैं। अगला में दोनों लेयर में फिर से पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें ऐड कर लेते हैं, फिर इस कलर फील पर जाते हैं, स्टार लग जाते हैं, फिर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हो गया। तो इस वाले दोनों में जो है ना मैं अलग पिक ऐड कर दिया हूँ, तो सेमी पिक ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए हम सेमी पिक को ऐड करते हैं जो कि ये है। तो इस तरह से आधा आएगा इस तरह से, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला फिर से यहाँ पर जो करना क्या है, अगला फिर होगा यू फोटो, इस पर टैप कर लेना। जहाँ भी फोटो यूज करना है वहाँ पे यू फोटो होगा, इस पर टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फिर से अलग पिक को ऐड कर लेना। और हम कर लेते हैं जहाँ भी है पिक, तो इसको लेते हैं और ये सेट हो गया। उसके बाद जो है अब ऊपर लाइन पे चले जाना, फोटो एक, तो इस पर टैप कर लेना और इसके बाद पिक को इंपोर्ट कर लेना। तो इसको लेते हैं, हाँ ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ऊपर पे लेन पे जो स्टार था इस सब पे नहीं, ऊपर लेन पे 19 सेकंड पे और एक नीचे, बाकी भी दो बीच वाला लाइन को छोड़ देना जो कि आपको ले जो होगा सेफ है। तो उसके बाद फिर से इस पे टैप करना, यू फोटो होगा तो इस पे टैप, जहाँ भी यू फोटो लिखा होगा तो वहाँ पे ही ऐड करना है। तो देख लेना ध्यान से, तो इसमें फिर से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जाके वही पिक को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा। उसके बाद प्ले करके आपको दिखाते हैं कंप्लीट एडिटिंग कैसा रहेगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।
बाय।